अभी हम लोग देखेंगे पीसी में कैसे डीवीडी ड्राइव को इंस्टॉल करते हैं। डीवीडी ड्राइव को इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको पीसी के जो केस का कवर है आप इसको रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए जो दो स्क्रूज हैं आप इसको रिमूव कर लें। अब उसके बाद ये जो उसके कवर है केस कवर आप इसे रिमूव कर ले। उसके बाद आप इसे नीचे रख ले। इसके बाद यहाँ पे जो उसके स्लॉट हैं, यहाँ पे इसके जो प्लास्टिक का स्लॉट है अब इसको रिमूव करना पड़ेगा डीवीडी ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए। इसके लिए आप इसको पीछे की तरफ से इसको अगर पुश करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये ऐसा प्लास्टिक का जो कवर होता है इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। ये रिमूव करने के बाद डीवीडी ड्राइव जो होता है ये उसका फेस प्लेट है ये बाहर की तरफ रहेगा और ये जो उसके इंटरफेस है वो अंदर की तरफ रहेगा। इस तरह से आपको इसको फिक्स कर ले। ये फिक्स होने के बाद आप यहाँ पे इसके जो स्क्रूज हैं यहाँ पे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। चार स्क्रूज आप यहाँ पे कनेक्ट कर ले। ध्यान में रखें एक ही बार में स्क्रूज को टाइट ना कर ले और स्क्रूज को हमेशा डायगोनली कनेक्ट करें। इसके बाद इसे जो फ्रंट से इसे चेक कर लें। ये प्रॉपरली एडजस्ट हो रहा है। इसके बाद आप इसके स्क्रूज को अच्छी तरह से टाइट कर लें। इस तरह से आप चारों स्क्रूज को आप अच्छी तरह से टाइट कर लें। अब आपका डीवीडी ड्राइव केस में बैठ गया। अब इसमें आपको साटा पावर कनेक्शन लगाना पड़ेगा। ये उसका साटा पावर कनेक्शन है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसका एल शेप का कनेक्शन है और यहाँ पे आपको ऐसे भी मिलेगा। तो ये आपका ऐसे आप लगा सकते हैं। तो ये आपका पावर कनेक्शन डीवीडी को मिल गया। अब इसके बाद इसका जो इंटरफेस केबल है साटा केबल है अब इसको कनेक्ट करना है। साटा केबल कनेक्ट करने से पहले आप इसके पोर्ट देख लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 साटा पोर्ट्स हैं मदरबोर्ड पे। जो दो रेड कलर के जो पोर्ट्स हैं वो ई साटा लिखा है ई साटा ए, तो ये एक्सटर्नल साटा के लिए होते हैं। और ये जो ब्लैक कलर्स के साटा पोर्ट्स होते हैं ये इंटरनल साटा डिवाइसेस के लिए होते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो साटा 0, 1, 2 एंड 3, तो ये साटा 0 है, ये 1 है, ये 2 है और 3 है। ये ऐसी क्लासिफिकेशन प्रायोरिटी बेसिस पे दिए गए हैं। प्रोसेसर साटा 0 को पहले एक्सेस करता है, फिर 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को। इस तरह से आप साटा 0 को हार्ड डिस्क के लिए छोड़ दें और साटा 1 में आप डीवीडी ड्राइव के इंटरफेस केबल और साटा केबल को कनेक्ट कर लें। अब इसमें आप इसमें देख सकते हैं ये उसका एल शेप का है।
तो यहाँ पे भी एल शेप में है, तो आप इससे इस तरह से सेटा वन में कनेक्ट कर लें। और इसमें अब इसके डिवाइसेस में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। डिवाइस में भी आपको ये इस तरह से आप साटा केबल, इंटरफेस केबल या मदरबोर्ड से ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब इसका जो कैबिनेट है, कवर है, आप इसे लगा लें। इसमें जो दो स्क्रूज हैं आप इसको कनेक्ट करते हैं। इस तरह से आप डीवीडी ड्राइव को पीसी में असेंबल कर सकते हैं।